सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि तंत्र पोस्टा का विमोचन। पंचायत समिति सदस्य राजवीर बेरी एवं लुपिन के आरपीएम राजेश मां ने किया विमोचन। -24 सितंबर से लगेगा 6 दिवसीय किसान शिविर सेवर स्थित बीएस पब्लिक स्कूल पर लगेगा शिविर। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त सुभाष पालेकर देंगे प्राकृतिक कृषि ज्ञान। लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता का लक्ष्य भरतपुर जिला बने प्राकृतिक कृषि वाला पहला जिला। लुपिन के आरपीएम राजेश मार वैर प्रभारी महेंद्र अवस्थी ने किया वैर भुसावर तहसील का दौरा। अतिरिक्त सीपीएम डॉ भीम सिंह ने भी किया दौरा। हलेना बेरी बबेखर सिरसेना वैर में हुई किसान गोष्ठियाँ। हलेना भरतपुर पद्मश्री अवार्ड प्राप्त सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि तंत्र पोस्टा का विमोचन। पंचायत समिति सदस्य राजवीर सिंह बेरी एवं लुपिन के आरपीएम राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा वैर के प्रभारी महेंद्र अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ। आरपीएम राजेश मां ने बताया कि 24 से 29 सितंबर तक राजस्थान के भरतपुर जिला में पहली बार प्राकृतिक कृषि तंत्र शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर सहित कृषि विभाग के कृषि विशेषज्ञ प्राकृतिक कृषि प्रेमी आदि भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य सहित 18 प्रांतों के 6000 किसान भाग लेकर प्राकृतिक कृषि ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि लुपिन के अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता का लक्ष्य है कि भरतपुर जिला प्राकृतिक कृषि वाला पहला जिला बने, जिसके लिए भरतपुर में किसान शिविर आयोजित किया जा रही है। लुपिन के अतिरिक्त सीपीएम डॉ भीम सिंह ने भी आधा दर्जन गांव में किसान सभा की, जिसमें मुख्य वक्ता वैर के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इंद्रपाल सिंह रावत, नरेंद्र शुमार, शिव सिंह ढाका, विष्णु मित्तल आदि रहे। राजस्थान सरकार का भी प्रयास है और भी दूसरी सरकारों का प्रयास है कि अपने राज्यों में भी इस तरह का जो लेगेसी का जो केंद्रीय बजट जो अभी जारी हुआ है 2019-20 के, जो कृषि की जो लागत है हमें शून्य है, इसी तरह का कोई इसके अंदर उद्देश्य है। और महाराष्ट्र को सुधार से भी किसान को सुधार है, जहाँ जहाँ यूपी के जो सी एस आर संस्थान है वहाँ वहाँ से सभी लोगों से किसान आ रहे हैं। कैसे उसका अधिक से अधिक रिटर्न मिले, उसके लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्डी सुभाष पालेकर जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप सभी राज्यों में इसका प्रचार प्रसार करें, इस प्राकृतिक आधारित गो आधारित इस कृषि खेती को बढ़ावा दें। अभी वर्तमान में पूरे भारत के अंदर लगभग 50 लाख किसान जो ऐसे हैं जो कि गो आधारित प्राकृतिक कृषि खेती कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि यूपी फाउंडेशन भरतपुर दिनांक 24 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक एक प्राकृतिक कृषि गो आधारित प्राकृतिक गाय के माध्यम से हमें प्राकृतिक खेती का एक शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं। 6 दिवसीय है, आवासीय शिविर है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इसमें आमंत्रित करें। और ग्राम विकास पंचायत का अध्यक्ष आप सभी के सहयोग से किसानों में एक बड़ी चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है और 6000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अपने अपने गांव में आकर उस अपनी जो खेती का जो पैटर्न है उसको बदलेंगे और जो है मुनाफा उनका बढ़ सकेगा। बीमारी फैल रहे आप सबके सामने, चाहे वो किडनी, हार्ट अटैक, कैंसर, तमाम सारी बीमारियां जो है और पूरे खाने का स्वाद चला गया वो तो अलग ही बात है।